हेलो लोंडो, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त पैंक्स लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वीडियो। दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ शॉटगन्स को कि भैया शॉटगन अच्छी चलाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, अगर तुमने हमारा क्लैन ज्वाइन नहीं किया है काला कच्चा गिरोह, तो भाई उसे ज्वाइन करो, वो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहली टिप आती है कि मिडल में एक डॉट प्लेस करो। ये करना कैसे है, तुम्हें जाना है सीधा कस्टम लेआउट में और वहाँ पे तुम्हारा कोई भी बटन जिसे तुम यूज़ नहीं करते हो तो उसे स्केल डाउन करके बिल्कुल सेंटर में रख दो। इससे बिगिनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है एमिंग में। एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारा गेम प्ले बिगाड़ेगी नहीं, अच्छा ही करेगी। जो तुम बटन्स यूज़ कर सकते हो वो जैसे कि ऑटो स्प्रिंट बटन यूज़ कर लो, या फिर किसी और तरह का बटन जो तुम्हें यूज़ नहीं करना है वो वाला बटन उसमें यूज़ कर लो। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सेकंड टिप की। अब बात आ जाती है प्रैक्टिस द फ्लिक शॉट्स। तो जब भी हम शॉटगन चला रहे हैं तो हमें हमेशा फ्लिकिंग ही करनी है। ये तो है नहीं कि हमारे क्रोसियर में अपना बंदा आ जाएगा और फिर हम क्लिक कर देंगे और फिर वो मर जाएगा। ये कोई परियों की कहानी तो है नहीं। इसके लिए यार हमें करनी पड़ेगी फ्लिक शॉट की प्रैक्टिस। के लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें जाना है प्रैक्टिस रेंज में और वहाँ पे शॉटगन इक्विप करनी है और इसके बाद स्टार्ट कर देना प्रैक्टिस करना। अगर तुम्हें फ्लिकिंग में दिक्कत हो रही है तो तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी चेंज करने की जरूरत है। सेंसिटिविटी पे वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, ऊपर आई बोल में देखो और क्लिक करो। अराउंड 20 मिनट्स अगर तुम रोज प्रैक्टिस कर लोगे प्रैक्टिस रेंज में तो काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी तुम्हें। ओके, थर्ड टिप आती है फाइंड योर रोल। तो एक शॉटगन प्लेयर दो तरह के रोल्स में फिट बैठता है, या तो वो हो सकता है फ्लैंकर या हो सकता है वो स्लेयर। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये वर्ड्स क्या होते हैं तो मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है, आई बोल में क्लिक करो और देख के आओ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स शॉटगन प्लेयर्स फ्लैंक ही खेलते हैं, लेकिन अगर तुम स्लेयर खेल रहे हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पुश करना है, तुम काफ़ी ज़्यादा मरोगे, तो एक अच्छा एम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब बात कर लेते हैं फोर्थ टिप की, वो है स्लाइड एंड जंप। तुम जब भी किल करो तुम्हें करना है स्लाइड जंप। देखो, नो वन इज 100% एक्यूरेट, ठीक है। जब भी तुम चौक करोगे या फिर कोई ऐसी दिक्कत हो जाएगी तो तुम्हें काम आएगी स्लाइड एंड जंप, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड स्लाइड एंड जंप। ओके, अब मैं बात करूंगा फिफ्थ नंबर टिप की, जो कि है कि भैया रेंज जरूर ध्यान में रखो शॉटगन की। शॉटगन को आप ये नहीं है कि अक्रॉस द मैप चला रहे हो असॉल्ट राइफल्स के खिलाफ। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि तुम्हें जो फाइट लेनी है वो होनी चाहिए क्लोज रेंज। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके लिए लोड आउट क्या होना चाहिए और क्या इसका गनस्मिथ होना चाहिए। देखो, गनस्मिथ पे वीडियो आएगी अलग से जहाँ पे मैं गनस्मिथ करूंगा, फिर गेम प्ले भी दूंगा। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं लोड आउट के बारे में। पर्क्स में आपको यूज करना है परसिस्टेंस, आप यूज कर सकते हैं हार्डवायर्ड और इंजीनियर। अगर तुम सर्च एंड डिस्ट्रॉय खेल रहे हो तो भाई डेड साइलेंस बिल्कुल मस्ट है, और ऑपरेटर स्किल भी कटाना जैसा कोई यूज करो, क्योंकि तुम सारी फाइट्स क्लोज रेंज लोगे तो क्लोज रेंज कटाना ही यूज होता है। बाकी लीथल्स तो पर्सनल प्रेफरेंस पे है। ओके, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही यार। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो यार तुम लाइक करो यार, तुम लाइक नहीं करते यार, तुम लाइक करो। और अगर तुम चैनल पर नए हो और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे दबाओ। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।